अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनके न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तीन साल आपके वक्फ बोर्ड में बहुत बहुत मुबारक, जबरदस्त कामयाबी के साथ आप माशाल्लाह वैसे रखो दो मिनट आज अल्लाह के फजल करम से विजयनगर कॉलोनी पर हमारे टीआरएस के सीनियर गोशा महल के खायद आली जनाब जनाब मोहम्मद इजहार उल सिद्दीकी साहब ने आज उनके ऑफिस पर वक्फ बोर्ड के तीन साल पूरे मुकम्मिल करने पर आपने जो तहनीती तकारीब मुनक़िद की, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह के फजल करम से मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज होकर दुआ करूंगा कि अल्लाह ने मुझे इस तीन साल का वक्फा फराहम किया और अभी मेरे दो साल बाकी है। और अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सबके में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिल जान से और भरपूर कोशिशों के जरिए वक्फ बोर्ड की तमाम जायदादों को सेव करने के लिए और तमाम हक पर आवाज उठाई, क्योंकि मैं 2001 से तेलंगाना तहरीक का एक सिपाही रहा हूं। केसीआर साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जब से कायम की, मैं जब से ही टीआरएस पार्टी से वापसता हूं और मैंने विकला की तंजीमों के साथ साथ बहुत सारे तेलंगाना तहरीक में स्ट्रगल किया हूं। आज अल्लाह के फजल करम से दयानतदारी के साथ केसीआर साहब और केटीआर साहब और हमारे हरकियाती वजीर दाखिला महमूद अली साहब ने जो मुझ पर भरोसा किया, उस भरोसे को मैं इंशाल्लाह और दो साल भी उन भरोसे पर पूरा उतरूंगा और आवाम की तय में और वक्फ जायदाद की हिफाजत में, और उसके लिए मैं दिल जान से कोशिश करूंगा और वक्फ जायदादों को सेव करने के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा। मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, खुसूसन हम तमाम को वक्फ जायदादों की हिफाजत करने वाला बनाए और मिल्लत इस्लामिया के हक में काम करने वाला बना दे। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला मेरे तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इनकी भी तमाम जायज मकासिद को पूरा अता फरमाए और इनको भी अच्छे से अच्छे ओहदों से नवाजे। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मेरी पार्टी के सदर और रियासत के वजीर। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।